Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्रिप्टो की दुनिया चाहे जितनी भी प्रॉमिसिंग हो, कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी ही जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं और बेहतर इन्वेस्टर जरूर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही खबरें। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ रिया यादव और आप देख रहे हैं क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट की दुनिया की लेटेस्ट खबरें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सुर्खियां। OneCoin स्कैम। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने एक सिक्के का लालच दिखाकर ठग लिया इन्वेस्टर्स के अरबों सिक्के, संपत्ति लूटी और हुए फरार। BitConnect स्कैम। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यूज करके लेंडिंग और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म BitConnect ने ऐसा खेल रचा कि इन्वेस्टर्स अपनी संपत्ति से ही डिस्कनेक्ट हो गए। प्लस टोकन स्कैम। लक्ष्मी चिटफंड 2.0 स्पॉटेड। क्रिप्टो डबल का लालच दिखाकर प्लस टोकन हुआ फरार। स्क्विड गेम कॉइन स्कैम। रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम देखने वाले इन्वेस्टर्स की जिंदगी कब रेड ग्राफ और ग्रीन ग्राफ के बीच में टग ऑफ वॉर बन जाएगी, ये किसने सोचा था। OneCoin स्कैम। आजकल बढ़ते हुए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्रिप्टो स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी नए तरीके आ चुके हैं लोगों को स्कैम करने के। उनमें से ही एक स्टोरी है जो हम आज आपको सुनाते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ये चीज़ 3 लोगों के साथ शेयर करो और वो लोग 3 और लोगों के साथ ये शेयर करेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो। ये किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम का भी हिस्सा हो सकता है। ऐसी ही कुछ कहानी है OneCoin की। OneCoin झूठे वादे दिलाकर, इन्वेस्टर्स को सपने दिखाकर फ़ायदा उठाने का एक जरिया बन गया था। OneCoin को बनाने वाली का नाम था रूजा इग्निटोवा। रूजा ने OneCoin की शुरुआत की थी 2014 में और प्रमोट करने के लिए महंगे इवेंट्स, मार्केटिंग और कोर्सेज भी लॉन्च किए थे। और फिर 3 साल बाद 2017 में OneCoin कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर गायब हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि ये कम से कम $4 बिलियन का स्कैम था। तो ये तो थी OneCoin की कहानी। चलिए देखते हैं हमारी अगली कहानी, BitConnect स्कैम। जैसे कि हर अदिति शीतल नहीं होती, वैसे ही हर बिट से शुरू होने वाला कॉइन बिटकॉइन नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BitConnect की। BitConnect एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म था जिसने इन्वेस्टर्स को लेंडिंग प्रॉफिट का लालच दिखाकर स्कैम कर दिया। BitConnect ने लोगों से वादे किए और उन्हें अपने BitConnect कॉइन लेंड करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर लॉक करने के लिए मना लिया और वो एक दिन फिर पैसे लेके गायब हो गए। जो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी बल्कि पूरे $3 बिलियन की बात कर रहे हैं हम। प्लस टोकन स्कैम। कहते हैं अगर आपसे कोई माफी मांगे तो आपको उसको माफी दे देनी चाहिए। माफ करने वाला इंसान माफी मांगने वाले इंसान से बड़ा होता है, लेकिन इस बड़प्पन का क्या फायदा जब आपका पैसा लेकर कोई भाग ही जाए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही सोच में पड़ गए थे वो लोग जब प्लस टोकन की वेबसाइट पे लॉगिन किया और उन्हें वहाँ लिखा हुआ दिखा सॉरी वी हैव रन और लोगों के पैसे लेकर फरार हो गए वो लोग। प्लस टोकन एक यील्ड प्लेटफॉर्म था जहाँ लोगों को 9-18% मंथली रिटर्न्स देने का वादा किया जाता था, लेकिन वादे बस एक झूठी उम्मीद बनकर रह गए। स्क्विड गेम टोकन। हाल ही में मशहूर हुए स्क्विड गेम सीरीज से प्रेरित एक क्रिप्टो स्क्विड गेम बनाया गया। इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस किया गया कि उन्हें नेटफ्लिक्स से इंस्पायर्ड एक ऑनलाइन गेम स्क्विड गेम में खेलने का मौका मिलेगा। और कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट ने इस कॉइन के बारे में भी वार्निंग इशू की थी इन्वेस्टर्स के लिए। फिर भी इन्वेस्टर्स ने इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके इसकी डिमांड इतनी की और इस टोकन की वैल्यू 3,10,000% बढ़ा दी। तो बस ये मौका था फाउंडर्स के लिए इन्वेस्टर्स को रेड लाइट दिखाकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को ग्रीन लाइट दिखाने का। तो ये थे क्रिप्टो की दुनिया में हुए हुए कुछ स्कैम्स। उम्मीद है आपको इनसे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना। हम ऐसे ही क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट की दुनिया की लेटेस्ट खबरें लेके आते रहेंगे आप तक सबसे पहले और सबसे तेज। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपने क्रिप्टो का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और DYOR हमेशा करते रहें। स्टे कनेक्टेड विद अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर YouTube चैनल। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.